गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, और आज के क्लास में हम लोग कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं हाइपरबोला। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ड्रॉ अ हाइपरबोला व्हेन अ डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm एंड एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 3/2, शो टैंजेंट एंड नॉर्मल एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 mm फ्रॉम डी। तो इस सवाल में हमें क्या है, हमें एक हाइपरबोला ड्रॉ करना है, और हाइपरबोला के लिए जो गिवन वैल्यू है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि हमारी जो डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक, डायरेक्ट्रिक्स से लेकर के फोकस तक की, यानी कि डी एफ की वैल्यू जो हमें गिवन है वो हमारे पास 50 mm है। और इसके साथ साथ हमें ये मालूम है कि हमारे पास जो एसेंट्रिसिटी है, यानी कि ई ई की वैल्यू हमें गिवन है कि ये हमारे लिए कितनी है, 3/2 है। एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हाइपरबोला के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हमेशा जो ई की वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। तो यहाँ पर हमें एसेंट्रिसिटी और डी एफ की वैल्यू गिवन है। इसके साथ साथ हमें ये बोला गया है कि हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करना है। क्या क्या ड्रॉ करना है, टैंजेंट एंड नॉर्मल कहाँ पे ड्रॉ करना है, एक डिस्टेंस पर ड्रॉ करना है, और डिस्टेंस की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 30 mm। तो ये कुछ गिवन डेटा है हमारे पास। तो चलिए अब हम लोग हाइपरबोला के कंस्ट्रक्शन को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने शीट के, यानी कि हमारे पास जो भी हमारी कॉपी होगी उसके साथ हम एक प्रॉपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक प्रॉपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चाहे तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन को भी पहले ड्रॉ कर सकते हैं, इसके लिए कोई खास ऐसा कोई स्पेसिफाइड लिमिट नहीं है। हम लोग सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी लेंथ की हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग ये काम अपना कर लेते हैं। वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम लोग यहाँ पर वापस से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमारी जो वैल्यू है उस वैल्यू के साथ हम सारा का सारा काम करेंगे। सबसे पहली बात, हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग जो ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और इस लाइन की जो इंटरसेक्शन है, इस लाइन की इंटरसेक्शन यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो हमारी डी पॉइंट को बता रही है, और इसी के साथ साथ हमें डी एफ की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 50 mm। तो सबसे पहले हम लोग अपने कंपास का इस्तेमाल करेंगे और कंपास से हम लोग यहाँ पर 50 mm मार्क कर लेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर 50 mm मार्क कर लिया, इस 50 mm को हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये जो वैल्यू हमें अभी दिख रही है ये एक्चुअली में कितनी है, ये 50 mm है। और ये वैल्यू 50 mm वाली किस पॉइंट को बताएगी, पॉइंट एफ को बताएगी। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स कितना गिवन है, 50 mm गिवन है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा ऑपरेशन करना होगा और हमें समझना होगा एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू कितना है, 3/2 है। अगर आप इस दोनों को ऐड कर दोगे तो 3 + 2 आपके लिए कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है कि आपकी जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हमें कितने पार्ट में बांटना है, 5 पार्ट में बांटना है। तो अगर आप यहाँ पर 50 / अगर आप 5 करोगे तो ये कितना आता है, 10 mm आता है। ये हमने आसान सा डिवीज़न कर लिया। अब हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो एक्चुअली में एसेंट्रिसिटी होती है वो किसे किसे डिनोट करती है। तो एसेंट्रिसिटी एक्चुअली में जो होती है ना, ये एसेंट्रिसिटी मैं इस तरफ लिख देता हूँ, ये डिनोट करती है वी एफ बाई आपकी वी सी को। यानी कि जो आपके डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड में जो पॉइंट वी है और पॉइंट एफ है उसको, उसके रेशियो को किसको कौन डिनोट करता है, आपकी एसेंट्रिसिटी डिनोट करती है। अब आपकी वैल्यू कितनी है, 10, 5 पार्ट में आपने डिवाइड किया, और इसकी रेशियो कितनी है, 3/2। इसका मतलब वी से लेकर के एफ तक की डिस्टेंस कितनी होने वाली है, 3 पार्ट वी एफ होने वाला है और 2 पार्ट आपका वी सी होने वाला है। तो इसका मतलब इसे हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो चलिए अब हम तुरंत से इसको वापस से 10 mm में हम इसे डिवाइड कर देते हैं। तो 10 mm डिवाइड करने के लिए हम लोग अपना वापस से स्केल का इस्तेमाल करेंगे, और हमने यहाँ पर 10 mm ले लिया। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर 10 mm ले लिया, और इस 10 mm से हम लोग इसको इस तरीके से 5 हिस्से में डिवाइड कर देंगे, 5 हिस्से में डिवाइड कर देंगे। अब 5 हिस्से में डिवाइड करने के बाद कौन से पॉइंट हमारा V को बताने वाला है, इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करने वाले हैं जहाँ से एफ वी की डिस्टेंस, आपकी जो वी से लेकर के एफ की डिस्टेंस है वो 3 पार्ट हो, और वी से लेकर के सी की डिस्टेंस, यानी कि ये पर्टिकुलर पॉइंट सी बोलो डी बोलो बात है कि इसकी डिस्टेंस कितनी हो, इसकी डिस्टेंस 2 पार्ट हो। तो हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट, चलिए हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया, और इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया हमने, इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया वी। तो आप यहां से देख पा रहे हो कि V से लेकर के F तक की डिस्टेंस कितनी है, 1, 2, 3 पार्ट है, और V से लेकर के D की डिस्टेंस कितनी है, 2 पार्ट है। अब हमें करना क्या होता है, हमें यहां पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होता है। तो हम लोग अपना रोलेंड ड्रॉ का यूज़ करेंगे,
और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने इस तरीके से यहाँ पर किसी भी लेंथ की एक वर्टिकल लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया। अब इस वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम लोग अपने कंपास का इस्तेमाल करते हैं और कंपास से वी से लेकर के एफ तक कंपास को सेट करते हैं, यानी कि यह डिस्टेंस टोटल कितनी होने वाली है, 30 mm होने वाली है। और इसे हम लोग मार्क कर लेते हैं इस तरीके से। तो हमने जब इसे मार्क कर लिया, इसके बाद हमें एक नया पॉइंट मिल जाता है जिसका हम लोग कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसका नेम कर देते हैं ई, और इस पर्टिकुलर पॉइंट ई और डी को मिलाते हुए हम लोग एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर डी और ई को मिलाते हुए यहाँ पर एक लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। किसी भी लेंथ की एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि नीचे भी जो हमारी लाइन है वो भी हमारी फिक्स रहे, तो इसके लिए सेम डिस्टेंस को हम चाहें तो नीचे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि ये वी एफ है ना, इस वी एफ को आप नीचे भी मार्क कर सकते हो। इस वी एफ को आप नीचे भी मार्क कर सकते हो। तो चलिए इस डिस्टेंस को हमने यहाँ नीचे भी मार्क कर लिया। अब नीचे भी मार्क करने के बाद आप चाहो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, हम लोग चाहें तो इसे नीचे की तरफ भी इस तरीके से लाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये लाइन ट्रांसफ़र करने के बाद हमारी जो ये वाली स्पेस है, इसी में हमारा जो हाइपरबोला है वो बनेगा। और इसके लिए हम किसी भी वैल्यू में हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ़ वर्टिकल लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, और उसके लिए हम लोग नेमिंग कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ वर्टिकल लाइंस को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। इसके लिए कोई एक स्पेसिफाइड लिमिट नहीं है, हम लोग किसी भी वैल्यू को रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब जब हमने नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ कर लिया, तो हमें डिफरेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं, और इस पॉइंट्स को हम यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं। चलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट को नेम दे दिया 1-, यहाँ पर हमने नीचे में नेमिंग कर दिया इसका 1। इसी तरीके से हमने यहाँ नेमिंग कर दिया 2, यहाँ पर हमने नेमिंग कर दिया 2-, यहाँ पर हमने नेमिंग कर दिया 3, यहाँ पर हमने नेमिंग कर दिया 3-, हेयर इट इज़ 4, एंड हेयर इट विल बी 4-, अगेन इट विल बी 5, एंड हेयर इट विल बी 5-। तो इस तरीके से हमने नेमिंग कर दिया। इसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं, डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड जिस तरीके से काम करता है, बिल्कुल उसी मेथड से, उसी प्रोसेस से हम लोग यहाँ पर अपने आगे का काम करने वाले हैं। हमें करना ये है कि अपने कंपास को 1-1 पे सेट करना है। हमने यहाँ पे अपने कंपास को 1-1 पर सेट करना है। आप देख सकते हो 1-1 पर हमने कंपास को ले लिया। इसके बाद हम इसे फोकस पे रखेंगे और 1-1 वाले लाइन को कट करेंगे। तो ये कटिंग हमें ऊपर भी करना है और हमें नीचे भी करना है। सिमिलर हम लोग अपने कंपास को 2-2 पर रखेंगे, 2 से लेकर के 2-2 के डिस्टेंस तक हम इसे रखेंगे, 2-2 के डिस्टेंस तक रखेंगे, और फोकस पर रख करके वापस से इसे हम 2-2 वाले लाइन को कट कर लेंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये सारे कटिंग्स करने के बाद हमें नंबर ऑफ़ पॉइंट्स मिल जाती है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। दिस इज़ माय फर्स्ट पॉइंट, दिस इज़ माय सेकंड पॉइंट, दिस इज़ माय थर्ड पॉइंट, दिस इज़ माय फोर्थ पॉइंट, दिस इज़ माय फिफ्थ पॉइंट, अगेन हेयर इट विल बी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट। तो अब हमें करना ये है कि इन सारे पॉइंट्स को मिला करके फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करना है, और हमें इन सारे पॉइंट्स को मिला करके अपने कर्व को बना देना है। हमारे पास नंबर ऑफ़ फ्रेंच कर्व अवेलेबल होते हैं इस तरीके से। तो चलिए हम लोग वापस से अपने 6 नंबर के फ्रेंच कर्व को इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग 3 अलग अलग पॉइंट को मिलाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये 3 पॉइंट को प्रॉपर तरीके से
मैच कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड एंड दिस इज़ थर्ड, ये तीन पॉइंट को हमने यहाँ पर मिला दिया। तो ये कर्व का पहला हिस्सा ड्रॉ हो गया। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि इसी फ्रेंच कर्व को इस्तेमाल करो तो आप नंबर ऑफ फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसी फ्रेंच कर्व को आप उल्टे तरफ से इस्तेमाल करोगे तो ये वापस से तीन पॉइंट को बिल्कुल आराम से कनेक्ट करेगा। तो हमने इस फ्रेंच कर्व को जस्ट उल्टे तरफ से ले लिया और यहाँ पर हम लोग अपने तीन पॉइंट को मिला ले रहे हैं, और इस तीन पॉइंट को मिलाते हुए हमने यहाँ पर दूसरा हिस्सा भी ड्रॉ कर लिया। अब अगर हम आगे के हिस्से को कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें फ्लैट कर्व की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए एक फ्लैट कर्व लेकर के हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। एंड दिस फ्लैट कर्व इज ऑलरेडी कनेक्टिंग टू नेक्स्ट ऑल पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दे रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर हम इसे उल्टे तरफ से इस्तेमाल करें तो यहाँ पर ये बाकी के सारे पॉइंट्स को आराम से कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपने फ्रेंच कर्व को यूज़ करके हमारा जो हाइपरबोला है वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर लिया गया है। इसके बाद हम लोग जो हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उस पर चलते हैं और सेकंड पार्ट के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें ये बोला गया है कि हमें क्या मार्क करना है, हमें टेंजेंट बनाना है और नॉर्मल बनाना है। कितने डिस्टेंस पर बनाना है, 30 mm के वैल्यू पर बनाना है। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन पर अपने यहाँ पर जीरो को सेट करेंगे। इसे आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, ये जो जीरो वाली वैल्यू है, इस जीरो वाले वैल्यू को हम कहाँ सेट करेंगे, अपने हॉरिजॉन्टल लाइन पर सेट करेंगे और इसे आगे की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पर जीरो पर सेट कर लिया इसे, आप देख सकते हो हमें इसे ऊपर ले जाना है इसी तरीके से हम इसे ऊपर ले जा रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 30 mm की वैल्यू हमें कहाँ मिल रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रही है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे 30 mm की वैल्यू मिल रही है वहाँ से हमें फोकस तक एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। उस पॉइंट से हम क्या करेंगे, फोकस तक एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए हम लोग फोकस तक एक प्रॉपर लाइन को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। और फोकस तक प्रॉपर लाइन ड्रॉ करने के बाद, जब हम लोग फोकस पर प्रॉपर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो इसके बाद इस पर्टिकुलर के 90 डिग्री में हम लोग नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए हम लोग चाहें तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेट स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सेट स्क्वायर ले लिया है और अब इस सेट स्क्वायर का यूज़ करके हम इसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें 90 डिग्री ट्रांसफ़र करना है। तो 90 डिग्री ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर प्रॉपर सेट करना है। और सेट करने के बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ हमने सेट कर लिया और इसे डायरेक्ट्रिक्स तक खींच देना है। ध्यान रखना है आपको इसे डायरेक्ट्रिक्स तक खींचना है। और डायरेक्ट्रिक्स तक खींचने के बाद आपको आपकी जो डायरेक्ट्रिक्स वाली पॉइंट है उसे आपको इस एंड पॉइंट के साथ मिलाते हुए एक लाइन को खींच देना है। जो ये लाइन आपकी ड्रॉ हुई, ये जो पर्टिकुलर लाइन आपकी ड्रॉ हुई, ये आपकी क्या है, दिस लाइन इज़ योर टेंजेंट लाइन। ये आपकी क्या है, ये आपकी टेंजेंट लाइन है। और अगर आप चाहते हो कि इस टेंजेंट लाइन के साथ आप नॉर्मल ड्रॉ करो तो कुछ नहीं करना है इसके लिए आपको। इसके लिए वापस से अपने सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करना है और सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करके जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी ये 90 डिग्री आ रही है, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको यहाँ पर सेट करना है इस लाइन पर, और यहाँ पे आपको एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये लाइन आपको किसको बता रहा है, ये लाइन आपके नॉर्मल को बता रहा है। तो ये कम्प्लीट प्रोसेस है जहाँ पर हम लोगों ने एक हाइपरबोला बनाना सीख लिया कि हम लोग एक हाइपरबोला कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। और अगर आप चाहते हो कि कौन कौन सी पेंसिल इस्तेमाल करनी है, तो जो भी ब्लैक कलर से आपको ड्रॉन दिख रहा है, वो ब्लैक कलर एक्चुअली में किसको बता रहा है, वो आपको 4H पेंसिल को बता रहा है। और जो आपकी ब्लू कलर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आपकी ब्लू कलर है वो आपको 2H पेंसिल को बता रही है। और जो आपकी रेड कलर है वो आपकी HB पेंसिल को बता रही है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं डिफरेंट सब्जेक्ट पे उसके अपडेट आपको मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।